हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉकों पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में 1% के अप्रोक्स में हमें यहां पे रैली देखने को मिला है। दोस्तों बात करें जब स्टॉक की प्राइस ओनली हमें 600 के निचले स्तर पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहाँ पर से आप लोगों को वीडियो बना के डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस 1000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि आप लोग के सामने में इसका प्राइस देख सकते हो। काफ़ी शानदार तरीके से इस स्टॉक ने अभी तक मुनाफा दिया है। दोस्तों अगर बात करें पिछले 1 मंथ के इसका प्राइस या ग्राफ का, तो पिछले 1 मंथ में भी इस स्टॉक ने 5% से एबव का मुनाफा दिया है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों बात करेंगे पिछले 6 मंथ का इसका प्राइस या ग्राफ का, तो पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक ने 11% के आसपास का मुनाफा इसमें हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों पिछले 1 साल की बात करेंगे तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 100% के आसपास का मुनाफा दिया है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने काफ़ी उतार चढ़ाव भी शो किया है। हालांकि एवरी ग्राउंड में इस स्टॉक में हमने वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करेंगे पिछले 5 ईयर का इसका प्राइस है ग्राफ का, तो यहाँ पे एवरी ईयर 100% के आसपास का मुनाफा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक अभी तक जैकपॉट साबित हुआ है और फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से भी काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस है ग्राफ का, तो यहाँ पर देख सकते हो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसका प्राइस ग्राफ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी तक स्टॉक जैकपॉट साबित हुआ है और आगे भी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से रैली देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करें तो फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 1800 रुपये के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। स्टॉक अभी तक काफ़ी शानदार तरीके से हमें मुनाफा दिया है और आगे भी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से KEI इंडस्ट्री लिमिटेड के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ। स्टॉक हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है और इसमें मुनाफा भी काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिला है। यहाँ पे बात करेंगे आज की ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में कितना परसेंट का हमें खरीदारी होती हुई देखने को मिला है। दोस्तों तो यहाँ पे 26% के आसपास का डिलीवरी का पोजीशन देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी काफ़ी अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करेंगे इसका 52 वीक लो का, तो यहाँ पे हमें ओनली 600 रुपये के आसपास में इस स्टॉक का प्राइस देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग के सामने में है। वहीं हाई की बात करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में 1400 रुपये के अप्रोक्स का इसने हाई शो किया है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे हमें 2 रुपये देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे क्वार्टर का रिजल्ट का। दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हो Q4 में कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट शो किया है, जिसके वजह से इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा हमें आजकल रैली देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे 38% का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि ए भी फिगर अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा है। वहीं हम बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमें कोई प्रमोटर का शेयर प्लेस नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना कर रख सकते हो, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से भी काफ़ी आगे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे हमें रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों एवरी ईयर काफ़ी इंक्रीमेंट के साथ में, यानी कि पिछले 5 ईयर का यहाँ पे फिगर है और एवरी ईयर काफ़ी इंक्रीमेंट के साथ में यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, तो यहाँ पे एकदम से 0 फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग का, तो यहाँ पे 331 करोड़ के आसपास का फिगर है, जो कि कोई खास है ही नहीं। वहीं हम बात करेंगे यहाँ पे फिक्स एसेट का फिगर का,
तो फिक्स एसेट का फिगर भी दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक अभी तक हमें काफी शानदार तरीके से मुनाफा दिया है और आगे भी इसमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो यहाँ पे 11,700 करोड़ से अबव का फिगर है। जो कि बात करेंगे सेक्टर के पेशो का दोस्तों, तो यहाँ पे 40 के अप्रोक्स में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पेशो से इस स्टॉक का पेशो काफी निचले स्तर पे है, यानी कि जो इसका प्राइस है वो भी काफी अट्रैक्टिव है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, फ्यूचर में फिर से काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका रेवेन्यू ग्राफ भी आप लोगों के सामने में इस साल का सबसे हाईएस्ट हमें रेवेन्यू ग्राफ देखने को मिला है। हालांकि पिछले 5 ईयर का यहाँ पे ग्राफ है और ये भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करेंगे नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी इस साल का सबसे हाईएस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और पिछले 5 ईयर का ग्राफ है। एवरी ईयर जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट का फिगर भी देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों इसका जो बिजनेस है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक फ्यूचर में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो Q4 में कंपनी ने कितना सेल्स का फिगर शो किया है, तो ये भी फिगर आप लोग के सामने में जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में यहाँ पे हमें सेल्स का फिगर देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे इस स्टॉक में FI की होल्डिंग है, DI की होल्डिंग है, उससे पहले बात करेंगे प्रमोटर का। दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। हालांकि FI की होल्डिंग काफी अच्छा खासा है, 25% का होल्डिंग है, जो कि DI का होल्डिंग 21% से अबव का है दोस्तों, जो कि रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग भी यहाँ पे 16% के अप्रोक्स में हमें देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर रिटर्न की बात करेंगे तो सारा का सारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक अभी तक हमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है और आगे भी इसमें काफी अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें अगर यहां से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिलता है तो इसका प्राइस 1120 रुपए के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस 1800 रुपए के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक अभी तक काफी शानदार तरीके से मुनाफा दिया है और आगे भी इसमें काफी अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।